आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। यदि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की मज़ेदार सूजी के हलवे की रेसिपी को शुरू करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है। इसमें हम डाल देंगे आधा कप सूजी। इसमें हम घी अभी बिल्कुल नहीं डालेंगे, पहले हम सूजी को सूखा ही भून लेंगे। तो इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक भून लेंगे, या फिर आप इसे तब तक भूनें जब तक कि सूजी का कलर जो है ब्राउन नहीं हो जाए। तो इसे लगातार चलाते हुए भूनें। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि सूजी का कलर जो है थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा भूनना है, तो इसे लगातार चलाते रहें। तो यहाँ पर सूजी को भूनते हुए हमें कुल 8 मिनट हो गए हैं। सूजी का कलर जो है ऑलमोस्ट आ चुका है। इससे ज़्यादा हम सूजी को नहीं भूनेंगे, नहीं तो हलवे का कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। गैस का फ्लेम हम यहाँ ऑफ कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब गैस का फ्लेम ऑन करके सेम कढ़ाई में पानी डालेंगे। तो हमने आधा कप सूजी लिया है, तो उसके लिए 3 गुना पानी, मतलब 1.5 कप पानी डालेंगे। तो ध्यान रहे, जितना हम सूजी यूज़ करेंगे उसका 3 गुना पानी यूज़ करना है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, तो आधा कप चीनी डाल दें। आधा कप सूजी के लिए हम आधा कप चीनी डालेंगे। यदि आपको मीठा बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है तो चीनी आप थोड़ा कम यूज़ कर सकते हैं। गैस का फ्लेम हम यहाँ तेज़ कर लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह पिघल जाए। पानी डालने के बाद हमें इसे हाई फ्लेम पर ही पकाना है, तो पहले चीनी को अच्छी तरह पिघल जाने दें। जैसे ही चीनी पूरी तरह पिघल जाए हम इसमें भुनी हुई सूजी डाल देंगे। तो चीनी अच्छी तरह पिघल गई है, अब हम इसमें भुनी हुई सूजी डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। सूजी डालने के बाद इसे लगातार स्पून से ऐसे चलाते रहें। गैस का फ्लेम मैंने तेज़ रखा है। इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे। पानी डालने के बाद हम हलवे को 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे, या फिर आप इसे तब तक पकाएं जब तक कि हलवा जो है गाढ़ा नहीं हो जाए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 कटे हुए काजू और बादाम डाले हैं। तो हलवे को लगातार चलाते हुए तेज़ आंच पर पकाएंगे। अभी तक हमने हलवे में घी का यूज़ नहीं किया है, तो घी का यूज़ हम सबसे लास्ट में करेंगे। तेज़ आंच पर इसे लगातार चलाते रहें जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाए। इसे लगातार चलाते हुए पकाएं। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे हलवा जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसे हम और थोड़ा सा सुखा लेंगे और उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। तो हमें यहाँ पर तेज़ आंच पर हलवे को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हलवा गाढ़ा हो गया है, अब हम इसमें घी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डालने के बाद हम इसे 1 मिनट तक और पकाएंगे। ध्यान रहे, गैस का फ्लेम तेज़ रखना है और इसे लगातार चलाते हुए हम घी में भून लेंगे। आप चाहें तो घी का यूज़ पहले भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप घी का यूज़ लास्ट में करेंगे तो हलवा जो है ज़्यादा दानेदार दिखेगा। तो घी मिलाने के बाद हमने बस हलवे को 1 मिनट और पकाया है। गैस का फ्लेम हम यहाँ ऑफ कर देंगे। हलवे की कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व करें, या फिर आप इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें। तो हलवा जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी और गाढ़ी होती जाएगी। 2 मिनट बाद हम देखेंगे हलवा जो है गाढ़ा हो गया है, इसके दाने अलग दिखने लगे हैं। तो बस ये हमारा सूजी का हलवा बनके तैयार है। इसे हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप चाहें तो हलवे में थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं, यदि आपको घी पसंद है तो। मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ता डाले हैं। तो ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट सूजी का हलवा बनके बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इस आसान और टेस्टी सूजी के हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यदि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर से क्लिक करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन्स मिलें।